फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे कारा। सेकेंड यूनिट का है कारा आपका एग्जाम्पल। इससे पहले अपन ने बात कर ली थी क्लासिफिकेशन की, जनरल करेक्टर की और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। इन सब की अपन बात कर ली थी, वो आपके थे फर्स्ट यूनिट में। अब अपन बात करेंगे सेकेंड यूनिट की, और सेकेंड यूनिट में आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका कारा। कहने का मतलब फर्स्ट यूनिट मान लो या फर्स्ट लेसन मान लो या फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, सबसे पहला कौन सा है? कारा। यूनिट सेकेंड है और इसमें अपन पढ़ेंगे कारा। इसका सबसे पहले इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम है स्टोन वर्ड। स्टोन वर्ड यानी इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है, कारी की जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है या इनका जो शरीर होता है वो किस प्रकार से होता है? स्टोन वर्ड यानी स्टोन को अपन कह सकते हैं सींग नुमा होता है। इसका दूसरा नाम क्या है? स्टोन वर्ड। कारा का दूसरा नाम क्या है? स्टोन वर्ड। सबसे पहले कारा है, इसकी सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद अपन बात करेंगे आवास। आवास के बाद बात करेंगे इसकी संरचना। संरचना के बाद अपन बात करेंगे इसमें जनन, और जनन के बाद करेंगे इसका महत्व। ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल्स में ये सभी पांच बातों को ध्यान में रखते हुए हर एग्जाम्पल को अपन आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे। सबसे पहले जैसे कारा है, गोलबॉक्स है, बुजेरिया है, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है। कोई क्लोरोफाइसी का सदस्य है तो कोई फियोफाइसी का सदस्य है। तो सबसे पहले सभी के बारे में सबसे पहले आप किसका आइडेंटिफाई करेंगे? क्लासिफिकेशन का। यानी सबसे पहले आप किसके बारे में चर्चा करेंगे? वर्गीकरण का। वर्गीकरण की चर्चा के बाद है आवास। वो किस प्रकार के जल में पाया जाता है, उसमें कितनी जातियां होती हैं, कितने जीन्स होते हैं, और किस प्रकार उसमें भोजन संचित होता है, और किस प्रकार उसमें वर्णक पाया जाता है, वो सब किसके बारे में पढ़े? कहाँ पढ़ेंगे? आवास में। आवास में पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे अपन संरचना, यानी जो कारक की है वो संरचना कैसे होती है, किस प्रकार इसका प्लांट होता है, किस शेप में होता है, और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, वो किसमें आ जाएगी? संरचना में। उसके बाद पढ़ेंगे अपन जनन। तो जनन की यहाँ पे जनन होता है तीन प्रकार से होता है, मोस्टली सेवालों में जनन तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? मोस्टली तीन प्रकार से होता है। उसके बाद अपन बात करेंगे महत्व। महत्व यानी इसका इंडस्ट्री में क्या महत्व है, लेबोरेटरी में क्या महत्व है, फूड में क्या महत्व है, औषधि में क्या महत्व है, ये सब कहाँ पढ़ेंगे अपन? महत्व में। और किसका महत्व है? कार्य का। तो इस प्रकार अपन कारा है, ये एक सेवा है, इसके बारे में अपन पांच चीजों को ध्यान में रखते हुए इसका पूरा अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण। क्या करेंगे? वर्गीकरण है इसका सबसे पहले। अब ये पता होना चाहिए कारा अपन ने कौन सी क्लास में पढ़ाता, कौन सा डिवीजन पढ़ाता, स्मिथ का क्लासिफिकेशन पढ़ाता अपन ने, वहां पे ये कारा कौन से डिवीजन में आया था? फर्स्ट डिवीजन था, और फर्स्ट डिवीजन का नाम क्या था? क्लोरोफाइटा। तो इसका डिवीजन क्या हो गया? क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा और थेलोफाइटा। उसके बाद डिवीजन के बाद बात करते हैं अपन क्लास की। क्लास क्या है इसकी? क्लोरोफाइसी। उसके बाद
फैमिली।
सबसे पहले कारा का सबसे पहले अपन को चाहे कोई सा भी एग्जाम्पल हो, सबसे पहले अपन उसको क्या लिखेंगे, क्लासिफिकेशन लिखेंगे। क्लासिफिकेशन मैंने बताई दिया था कि कैसे लिखना है। डिवीजन क्या है, क्लोरोफाइटा। डिवीजन के अंत में क्या लगाओगे आप, फाइटा। क्लास के अंत में क्या लगाओगे, हाइसिन। ऑर्डर के अंत में क्या लगाओगे, टेक्स लगाओगे। और फैमिली के अंत में क्या लगाओगे, एसी। और जो जीनस है वो आपका क्या हो गया, कारा। अब इस स्पीसीज की बात करें तो इसकी कौन सी स्पीसीज हो गई, न्यूडा स्पीसीज हो गई। अब क्लासिफिकेशन के बाद है आपका सेकंड पॉइंट है, क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन के बाद सेकंड पॉइंट आता है आपका सामान्य लक्षण या इनकी विशेषता, कि इस कारा में क्या विशेषता है जिसकी वजह से इसको क्लोरोफाइटा डिवीजन में रखा गया है। इन मेन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए, इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इसको कौन से डिवीजन में रखा गया है, क्लोरोफाइटा डिवीजन में रखा गया है। तो क्या क्या बात है वो अपन देखेंगे। सबसे पहले क्लोरोफाइटा है, उसमें कौन कौन से मैंने लक्षण लिखवाए थे क्लासिफिकेशन में, वो लक्षण तो आपको यहाँ पे लिखना ही है। इसके अलावा तीन चार मेन बातें हैं वो आपको इसी में लिखना। सबसे पहले है ये चार पांच बातें हैं वो पहले मैंने स्पीड वाले क्लासिफिकेशन में लिखवा दी थी और वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। सबसे पहले इसमें भोजन किसके रूप में होता है, मंड के रूप में होता है। सेकेंड पॉइंट में इसमें जनन क्या होता है, तीन प्रकार से होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। थर्ड पॉइंट है अलैंगिक जनन उपस्थित होते हैं। इसके बाद है अपने क्या, इसमें क्लोरोफिल है। इसके बाद है, अब ये चार लक्षण मैंने किसके लिखे हैं, क्लोरोफाइटा डिवीजन के, जो पहले क्लासिफिकेशन में अपने लिखे थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है हर क्लासिफिकेशन का, जैसे अपने क्लास में रखा है कौन से डिवीजन में रखा है वो करेक्टर तो आपको लिखनी ही है। और प्लस साथ में क्या लिखना है, कारा की कुछ विशेषताएं जो मैं चार पांच मेन पॉइंट होंगे वो इसके साथ में लिखना है। और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, सामान्य लक्षण बोलते हैं। अब इसके बाद अपन बात करते हैं तो कारा का दूसरा नाम क्या है, स्टोनबर्ड। कारा का दूसरा नाम क्या है, स्टोनबर्ड, यानी इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो सीम की रुमाल से नुकीली होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, स्टोनबर्ड। यानी इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है उसकी जो सिरे होते हैं वो कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। और इसको नुकीले होने की वजह से इसका दूसरा नाम क्या रख दिया, स्टोनबर्ड रख दिया। अगला पॉइंट है कारा में जो मादा जननांग होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर कहते हैं। नर जननांग है उसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल। क्या बोलते हैं, ओव्यूल, ये आपको ध्यान रखना ही है। उसके बाद अगला पॉइंट है कारा की जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो उसके ऊपर किसका आवरण पाया जाता है, किसका निक्षेपण होता है, यानी उसके ऊपर किसका जमाव होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। उसके बाद हम बात करते हैं कि कारा एक अपवाद है अपने आप में, यहाँ पे देखो कोई भी शैवाल होता है वो बॉडी स्ट्रक्चर में डिवाइड नहीं होता है, कहने का मतलब है उसका तना पर्व और पर्वसंधि में डिवाइड नहीं होता है। लेकिन कारा यहाँ पे अपवाद है अपने आप, इसमें क्या देखने को मिलती है, पर्व और पर्वसंधि। ये मोस्टली किसका लक्षण है, कारा। किसका लक्षण है ये, ये सब ये लक्षण सब किसमें देखने को मिलते हैं, पर्व और पर्वसंधि कौन से में देखने को मिलती है, सिर्फ कारा में देखने को मिलती है। जो कारा का क्लासिफिकेशन है यानी कारा का प्लांट है उसमें ही देखने को मिलती है, अदरवाइज किसी भी शैवाल में पर्व और पर्वसंधि नहीं पाई जाती है। ये एक अपवाद है और यहाँ से छोटे प्रश्न है वो बनता है, कारा में जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है या तना होता है वो किसमें डिवाइड होता है, किसमें डिवाइड होता है, पर्व और पर्वसंधियों में डिवाइड होता है। बाकी कोई सा भी शैवाल नहीं है जो कारा, ये कहने का मतलब पर्व और पर्वसंधि में डिवाइड होता है, मात्र एक कारा है जो पर्व और पर्वसंधि में डिवाइड होता है। यहाँ तक
ये है, इसके क्या हो गए, सामान्य लक्षण हो गए। इसके बाद सामान्य लक्षण के बाद क्या लिखेंगे अपन, आवास। तो आवास में वही है कि किसमें पाया जाता है, अलमनीय जल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, अलमनीय जल में पाया जाता है। आवास क्या है इसका, आपको यहाँ पे लिखना है इसका कि यह अलमनीय जल में पाया जाता है, यानी स्वच्छ जल में ये पाया जाता है। आवास के बाद अपन बात करते हैं संरचना की, इसकी बात करेंगे संरचना। तो इसकी संरचना कैसे होती है, तो ये यहां तक आपने ये चार पॉइंट पढ़ लिए, क्लासिफिकेशन, सामान्य लक्षण, आवास और संरचना। तो इसमें क्लासिफिकेशन को तो आपको रटना ही नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए भाई कारा है कौन से डिवीजन में रखा गया है, वो याद रखना है। और उसके पीछे ये अनुलग्न लगाओ, फाइटा, फाइसी, एलसी, एसी और फिर लिखो जीनस। ये क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन के बाद है आपका सामान्य लक्षण, इसको भी रटना नहीं है। सामान्य लक्षण आपको जो क्लासिफिकेशन में करवाए हैं वही करना है, रटना नहीं है आपको। आपको तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसमें भोजन किसके रूप में होता है, मंड के रूप में होता है, इसमें जनन क्या प्रकार का होता है, तीन प्रकार से होता है। उसके बाद है ये अलवणीय जल में उपस्थित होता है। ये अलवणीय जल मोस्टली मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, उसमें भी बताया था कि मोस्टली शैवाल यानी अधिकांश शैवाल किसमें प्रेजेंट होते हैं, अलवणीय जल में प्रेजेंट होते हैं। अधिकांश शैवाल किसमें प्रेजेंट होते हैं, अलवणीय जल में उपस्थित होते हैं। आपको ज्यादातर शैवाल किसमें करना है, आपको अलवणीय जल में ही रखना है। अलवणीय जल को बोलते हैं स्वच्छ जल। उसके बाद है वर्णन, वर्णन क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से इसका रंग कैसा होता है, हरा। उसके बाद है कारा का दूसरा नाम है स्टोनवर्ण। यह आपको इसकी मेन बात है, किसकी, कारा की। किसकी है मेन बात, कारा की स्टोनवर्ण। दूसरा है कारा में जो मादा जननांग होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियर होता है। नर जननांग होता है वो क्या होता है, ग्लोबुलर होता है। और जो कारा का पादप है, ये देखो ये आपको सिर्फ ये लक्षण किसके मिलेंगे, सिर्फ कारा में ही देखने को मिलेंगे, और किसी शैवाल में देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो मैंने चार लक्षण लिखे ना लास्ट वाले, एक दो तीन चार, ये सिर्फ किसके हैं, कारा के लक्षण ही हैं। किसके लक्षण हैं, सिर्फ कारा के। और ये मोस्टली आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी छोटे प्रश्न बनता है, कारा में मादा जननांग क्या होता है, न्यूक्लियर। नर जननांग क्या होता है, ग्लोबुलर। कारा के जो पादप होता है उसके ऊपर किसका आवरण पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। उसके बाद है कारा में जो कारा का पादप होता है वो पर्व और प्रसन्नी में डिवाइड होता है, ये इसका अपवाद है। कोई भी शैवाल या कौन सा भी शैवाल अपन बात करते हैं तो पर्व और प्रसन्नी में डिवाइड नहीं होता है, कहने का मतलब पर्व और प्रसन्नी में विभाजित नहीं होता है। कारा एकमात्र एग्जाम्पल है जो पर्व और परोसंधि में डिवाइड होता है, यानी बटा होता है। ये आपको याद रखनी है ये चार फैक्टर। और यहाँ से छोटे प्रश्न भी बनते हैं, दूसरा नाम बताइए, इसमें मादा जननांग को क्या कहते हैं, नर जननांग को क्या कहते हैं, कारा की जो बॉडी है उसके ऊपर किसका आवरण पाया जाता है, और कारा में जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो किन भागों में बटी हुई होती है। तो ये चार फैक्टर आपको मोस्टली ध्यान में रखने हुए हैं। और ये तो आपने चार लक्षण लिखे हैं, किसके लिखे हैं, क्लोरोफाइटा के। अब अपन इसकी बात करते हैं संरचना की। तो ये सामान्य लक्षण हो गए, क्या हो गए सामान्य लक्षण। उसके बाद अपन बात करते हैं आवास की। तो सबको पता है मोस्टली सवाल किसमें प्रेजेंट होते हैं, स्वच्छ जल में। और स्वच्छ जल को बोलते हैं अपन अलवणीय जल, जहां पर लवण की मात्रा एबसेंट हो उसको क्या बोलते हैं, अलवणीय जल। ठीक है, तो ये क्या हो गया आवास। आवास में के बाद अपन बात करेंगे संरचना, इसकी बात करेंगे संरचना। यहां पर कार्य के पादप की बात करते हैं,
देखो इसके सिरे कैसे होते हैं, नुकीले, इसलिए इसको क्या नाम दिया है, हॉर्नबर्ड। क्या नाम दिया है, हॉर्नबर्ड। अब यहां से निकल जाती है ब्रांच, ये देखो यहां पे ये क्या है, पर्व है, और ये क्या है, पैरोसंधि।